दोस्तों, आप देख रहे हैं अवर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। आइए आज के 10 मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने सोने की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। दो भारतीय तस्करों को दो सोने की ईंटों और 39 सोने के बिस्किट के साथ पकड़ा गया। जब्त किए गए सोने की कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अयोध्या के श्री राम मंदिर की तरफ आज पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है। 23 जनवरी से यह मंदिर आम लोगों के लिए सुबह 8 बजे से खोल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक रोजाना करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहां आने की अनुमान है। दिन भर में 5 बार भगवान श्री राम की आरती की जाएगी। दोपहर करीब 1 बजे से 3 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। दोपहर 3 बजे दोबारा दर्शन शुरू किए जाएंगे, जो रात 10 बजे तक निरंतर चलते रहेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद जन समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की पहली प्रति में राम विराजमान है, बावजूद इसके राम को अपनी जगह बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अपने उद्बोधन में मोदी ने कहा कि 22 जनवरी 2024 सूरज एक आभा लेकर आया है। यह तारीख नहीं, एक कालचक्र का उद्गम है। हमें सदियों के धैर्य की धरोहर मिली है। करीब 2 साल से चल रही सोनी ग्रुप और जी एंटरटेनमेंट के बीच 10 अरब डॉलर की डील होने से पहले ही टूट गई है। एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस की सीईओ रैमटी पुनीत कोयंका को यह खबर तब मिली जबकि वे राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या में थे और वहीं से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी शेयर की है। उद्योगपति ने कहा कि यह प्रभु की ओर से मिला एक संकेत है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मानहानि मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 29 जनवरी तक टाल दी है। तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि मामले को अहमदाबाद कोर्ट से स्थानांतरित करके राज्य से बाहर दिल्ली भेजने की मांग की थी। मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था, सिर्फ गुजराती ही मौजूदा परिस्थितियों में ठग हो सकते हैं और उनके घोटाले भी माफ हो जाएंगे। तेजस्वी के इस बयान के खिलाफ गुजरात में स्थानांतरित कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरीश मेहता ने अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाए कि तेजस्वी यादव की टिप्पणी से सभी गुजरातियों की भावनाएं आहत हुई हैं। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में सर्वधर्म सद्भाव रैली की शुरुआत की। विभिन्न धर्म गुरुओं और पार्टी नेताओं के साथ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख बनर्जी ने यहां हाजरा मोड़ से संगीत मार्च शुरू किया। भारत आने वाले 26 जनवरी को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। हर साल की तरह देश के सभी राज्य अपनी झांकी पेश करेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर आधारित है। इसमें प्रदेश के विभिन्न विरासत की झलक दिखाई जाएगी। झांकी की ट्रेलर पर इस बार प्रारंभ में अयोध्या में बने प्रभु श्री राम मंदिर और उसके ऊपर विराजे बालक भगवान राम की प्रतिमा होगी। भारत क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले अच्छी खबर नहीं मिली है। टीम के बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली ने सीरीज की शुरुआती 2 मैचों से अपना नाम वापस ले लिया है। कोहली कुछ निजी कारणों से इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक और बड़ा झटका लगा है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता और मशहूर नेत्र चिकित्सक सुनील सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। पार्टी छोड़ने की वजह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बताई है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह ने राम का नाम लेकर जेडीयू को छोड़ते हुए कहा कि आज के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और हर्षोल्लास के माहौल से दूरी बनाना उचित नहीं। पिछले कुछ समय से नई कारों की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ पुरानी कारों की कीमत में भी वृद्धि देखने को मिली है। पिछले 2 साल में यूज्ड कार मार्केट में कारों की औसत कीमतें 3.5 लाख रुपए से बढ़कर 6.5 लाख रुपए पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूज्ड कार बाजार में मांग में बढ़ोतरी होने का मतलब थोड़ी पुरानी होने पर एसयूवी का एक हैच की कीमत पर उपलब्ध होना है। इसी तरह अवरल टाइम से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।